ओके आज का ये छोटा सा वीडियो, एक कमेंट आया था कि सर जो एक्सकोड हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करें, उस इंस्टॉलेशन क्या है। इसका सिंपल सा आंसर, इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आपके पास डेवलपर अकाउंट, डेवलपर जो एप्पल अकाउंट होगा, एप्पल आईडी तो पहले से होगा डेवलपर अकाउंट का, ठीक है। आप उसको लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद अकाउंट पे आ जाइए। आपको यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन आएगा, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, प्रोफाइल्स एंड लॉग्स एंड मोर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही बताएगा, आईपैड, मैक ओएक्स, ठीक है, और जो बीटा वर्जन है और रिलीज वर्जन है, यही सब के बारे में आपको बताएगा, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आपको बीटा वर्जन से आप काम चलाना है, काम चलाइए, क्योंकि बीटा वर्जन में काफ़ी सारे टेस्टिंग होते हैं, तभी तो हम लोग जो डेवलपर है और रिपोर्ट करते हैं कि ये इशू है, तब जाके वो रिफाइन करते हैं कि कौन सा बग को फिक्स करने से, कौन सा सिक्योरिटी बग है, कौन सा यूआई बग है, कौन सा एप्लीकेशन बग है, कौन सा क्रिटिकल बग है, बहुत सारे वो लोग बाइफर्केशन करते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा मोर क्रिटिकल है, ठीक है ना। तो उसके से वो लोग स्टेबल वर्जन रिलीज करते हैं बाद में, ओके। ये तो हो गया उसका, उसके बगल में एक दिख रहा है ना आपको एप्लीकेशन वाला सेक्शन, वहाँ पर जाना है आपको। वहाँ पर जाने के बाद ये देखो आ गया आपका एक्सकोड 14, ओके। एक्सकोड 14 में आप एक्सपोर्ट 14 में डाउनलोड कीजिए, या फिर आपका जो एक्सपोर्ट 14.0 का जो है वो उसका भी स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो आपको इसका यहाँ पर आपको सारा जो स्टेबल वर्जन ही मिल जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सारा एप्लीकेशन मिलेगा, टेस्ट फ्लाइट, स्कूल वर्क, जो बीटा है, जो नॉर्मली स्कूल का इंफॉर्मेशन जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, स्कूल्स के स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, कोलाब्रेशन हो, या फिर सॉरी डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर उसका स्कूल से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, क्लास वर्क हो, ठीक है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर और एक चीज़ है, कहाँ गया, ये रहा प्लेग्राउंड, ठीक है। वैसे प्लेग्राउंड तो एक्सकोड के साथ ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अलग से फैसिलिटी दे रखा है, आप उसको रिक्वेस्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके। एक्सकोड आप जहाँ पर जाओगे ना, आपको आप तो पहले डिसाइड कर लो कौन सा एक्सकोड आपको डाउनलोड करना है, एक्सकोड करंट वाला, प्रीवियस वाला, जो भी है, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आप उसको दो तरीके से डाउनलोड होता है, एक तो आपको ऐप मैक स्टोर के थ्रू जाना पड़ेगा, जो आपका ऐप स्टोर है मैक का जो ऐप स्टोर है वहाँ के थ्रू, या तो आप डायरेक्ट ब्राउजर में ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। अब जो मैक स्टोर है ना, इसका एक डीमेरिट है, मैं बता रहा हूँ क्या है। सपोज आपके पास ऑलरेडी एक वर्जन है, सपोज 13 है, ठीक है ना, आप उसको रखना चाह रहे हो, मतलब आज इट इज़ रखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको आप अगर मैप ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे ना, वो क्या करेगा, एक लेटेस्ट वन को ओवरराइट कर देगा प्रीवियस वन से, तो आपका प्रीवियस वाला जो एक्सकोड होगा ना ओवरराइट हो जाएगा लेटेस्ट एक्सकोड के साथ। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है, आप प्रीवियस जो एक्सकोड है ना उसको रीनेम कर दीजिए एक्सकोड 13, ठीक है।
वो बेस्ट है। अगर आप एक्सकोड 13 के हिसाब से आप रीनेम कर देंगे एक एप्लीकेशन को, तो आप जब भी आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा ना, ये फ्रेश कॉपी के हिसाब से डाउनलोड होकर चलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक्सकोड 14.1 है, उस तरह एक्सकोड 14 है, ठीक है ना। ये तो अगर एक जगह हो तो वो तो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन मैं उसको अगर एक्सकोड 14 या एक्सकोड 13 लिख दूंगा, ठीक है, और जो फ्रेश कॉपी डाउनलोड होगा ना, तो वो आज एक्सकोड 14 के हिसाब से वो डाउनलोड होगा, एक्सकोड 14 मेरा, ठीक है, आज डाउनलोड होगा। मीन्स आपके पास दो कॉपी रह जाएगा, प्रीवियस कॉपी और लेटेस्ट कॉपी, ठीक है। ये तो हो गया ऐप स्टोर का, और ये तो आप ब्राउजर के थ्रू आप जितना भी डाउनलोड करके रखिए, फिर उसको जब भी आप यूटिलाइज करना चाहो तो यूटिलाइज करेंगे। आप उसको लोकल मीन्स लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में रखिए, या फिर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करें। इसमें कुछ ये नहीं है, मीन्स ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इसका जो सिमुलेटर है वो सब हार्ड लैपटॉप में ही डाउनलोड होगा। ओके, तो ये था एक बेसिक सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल से वो क्लिक करते जाइए, वो ऑप्शन आता रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर दीजिए, लोकल ड्राइव में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना ये नहीं है, अब अगर आप उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर करना चाह रहे हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इसको ये आज जिप फाइल डाउनलोड होगा, XIP फाइल, ठीक है, XIP फाइल आज डाउनलोड होगा, उसको अनजिप कीजिए, वो एक्सकोड इसी हिसाब से आ जाएगा। फिर उसको डबल क्लिक कीजिए, कुछ परमिशन मांगेगा, बस रेडी टू यूज है। आजकल के सॉफ्टवेयर ज़्यादा मीन्स इसका और एंड्रॉइड स्टूडियो वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप या तो आप वर्चुअली डाउनलोड कर दीजिए सर्वर के साथ, या फिर आप डायरेक्ट एक ब्राउजर को डाउनलोड करके एक्सटर्नल ड्राइव में रखिए, या फिर लोकल ड्राइव आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास एक कॉपी रह जाएगा इस केस में। आप उसको कहीं पर रिस्टोर करके कभी भी उसको यूज करिए, वो बेस्ट है। मैं कह सकता दोनों ही बेस्ट है, आप ये भी बेस्ट है, वो बेस्ट है, दोनों ही एक ही, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम है। ये बस एक फ़र्क है, ये आपको डायरेक्ट ऐप स्टोर कर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके दे देगा, और यहाँ पर आपको अलग से डाउनलोड करके आप अपना प्रिफर्ड लोकेशन में चूज करके रन कीजिएगा, बस सही है। ओके, तो इतने सा इन्फॉर्मेशन देना था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।